तो गाइस आप लोगों को भाई काफी ज्यादा सस्ते प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा पसंद आते रहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ना अलग अलग जगहों पे ना चीजें ढूंढता रहता हूँ कि भाई कहीं मिल जाए हमारे को सस्ती चीजें और सस्ते गैजेट्स। तो भाई आज तुम्हारे भाई ने और बहुत सारे ढेर सारे पेटी भर के गैजेट्स इकट्ठा कर लिए और आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि जो डियो डैप है ना भाई, इसका नाम इतना सुना था मैंने, मतलब मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है बट फिर दोबारा काफी लोग बनाते हैं, दोबारा बनाते हैं और देखते हैं भाई इस बार जो पिटारा है हमने, जो इस बार जो सामग्री मंगाई है, क्या वो तगड़ी है या नहीं, या फिर हमारा फिर से कट गया है, क्योंकि पिछली बार तो बहुत ही खराब प्रोडक्ट्स आए थे। तो जल्दी से ओपन करके देखते हैं। एंड भाई बॉक्स की कंडीशन अगर आप लोग देखोगे तो भाई बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी है, सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब टेप देखो लिटरली यहाँ से निकली पड़ी है। जल्दी से यहाँ से ओपन करते हैं इसको कुछ इस तरीके से। एंड ये जैसे हम लोग ओपन कर लेंगे यहाँ पे ना इसको, यहाँ से भी ओपन करना पड़ेगा, मतलब बॉक्स की तो देखो भाई क्वालिटी बहुत ही खराब हो रही है, बाकी अंदर भाई हमारे काली पन्नी मिल रही है। ओके ये भाई काली सी पन्नी थी। एंड ये कुछ चीजें हैं, मतलब जो जो हमने प्रोडक्ट्स मंगाए ना उसका जो है ये चेकलिस्ट है। एंड ये रहे भाई हमारे प्रोडक्ट, काफी सारे हैं भाई, एक बार ऐसे करके निकाल लेते हैं। ओ तेरी, तो भाई प्रोडक्ट्स तो बहुत ज्यादा ही मंगा लिए हैं हमने। ये कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमने डियो डैप से मंगाए हैं। अब एक एक करके खोलते हैं। वैसे हमारे पास क्या क्या है, ये नेक मसाजर है, फोटो तो बड़ी खतरनाक लगी बनी हुई है इस पे। ये हमारा फ्लाई नोवा प्रो समथिंग, कुछ तो तगड़ी चीज है ये। और ये हमारा ठंड का एक ही सहारा जो कि हैंड हीटर, और ये भी कुछ है इलेक्ट्रिक हॉट वाटर बैग। ओए होए काफी सारी चीजें मंगा ली हमने। एंड ये क्या है, ये तो पता ही नहीं क्या है यार, नहाने धोने का सामान मंगा लिया है। यहाँ पे लाइट मिल जाती है हमारे को, एक एलईडी मंगाई है, और ये ईएमएस फुट मसाजर है, ये बबल मशीन गन है, ओहो, और ये है एचडी विजन रैप अराउंड, अच्छा, और ये मल्टी क्लीनिंग किट मंगाई। तो काफी सारी चीजें हैं, जल्दी जल्दी करके करके खोलते हैं और देखते हैं भाई क्या है। सबसे पहले हम लोग खोल रहे हैं भाई ये एचडी विजन रैप, सारा सामान साइड कर देंगे। ये है रैप अराउंड, तो इसको भाई निकालते हैं। ओ भाई साहब ये क्या है, अरे भाई साहब गजब। लेकिन यार इन सभी प्रोडक्ट्स के अंदर पता नहीं मिट्टी सी हो रही है यार बहुत ज्यादा। ओ वाओ, आपका भाई लग रहा है ना एकदम स्मार्टी। वाओ क्या लड़का है भाई। ये है हमारे गॉगल फिट से प्रिस्क्रिप्शन, अरे है किस लिए ये भाई, किस तरीके की क्लैरिटी एनहांस करता है, इसमें तो कुछ क्लैरिटी एनहांस नहीं हो रही। ये सब चीज रवि ने मंगाई थी, रवि से पूछेंगे चल के। तो अब चलते हैं भाई ये इसकी तरफ। ये हमारा एक और है बबल मशीन गन, को खोल लेते हैं एक बार और इसको चेक करते हैं इसमें क्या मिलेगा हमारे को। ये रही भाई हमारी बबल मशीन गन, काफी तगड़ा लग रहा है तो सिस्टम भाई इसका। ओ भाई दर, अच्छा इसके अंदर बबल है, ओके चलो यार ये करके देखते हैं। अबे यार इसमें 3 सेल लगेंगे, हमारे पास सेल नहीं है। तो गाइस हमारे पास सेल नहीं है, जब तक सेल आते हैं इसको साइड रख लेते हैं, उसके बाद ही इसको स्टार्ट करेंगे कैसा है। इसका लिक्विड भी आ रहा है और सब कुछ है इसका, तो सेल आ जाए पहले उसके बाद टेस्ट करेंगे इसको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। ये हमारा इलेक्ट्रिक हॉट वाटर बैग, इसे खोलते हैं। इलेक्ट्रिक हॉट वाटर बैग है हमारा, ओके तो इसके अंदर हमारे को पानी भरना होगा जहां तक मुझे लगता है, ऑब्वियसली बात है। एंड पानी भरने के बाद ये बढ़िया तरीके से काम करेगा। तो निकाल लिया हमने, इसके अंदर तार मिल रही है हमारे को, ये पानी भरने के लिए सामान मिल रहा है, जैसे नुकपी सी टाइप। इसके अंदर ये लगा लेंगे नुकपी सी, और नुकपी लगा के इसको इसमें, तो भाई हमारा पानी अंदर नहीं जा रहा है लगता है, हमारी पानी तो भर गया इसमें। तो गाइस ऑन कर लिया है, डर लग रहा था कि भाई कुछ दिक्कत ना हो, लेकिन ये हो गया है ऑन हमारा। क्या लगता है पानी होगा, उबलेगा या नहीं उबलेगा। भैंस क्या आवाज आ रही है इसमें से, तो गाइस इसमें से आवाज आ रही है देखो। सो गाइस पानी जो है हमारा उबल रहा है, मेरे को डर लग रहा है। ये जो भाई इलेक्ट्रिक हॉट वाटर बैग है सिर्फ 75 रुपए का है, रेट तो तगड़ा दे रखा है। सो गाइस गरम तो देखो हो गया है, लेकिन थोड़ा टाइम लगा रहा है, साइड रख देते हैं इसको, चलने देते हैं, ज्यादा ही टाइम लगा रहा है ये। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट तरफ। ये पता नहीं क्या मंगाया, ये क्या भाई क्या मंगाया तुमने। रवि का कहना है कि इससे सोफे साफ होंगे, ये पता नहीं क्या चीज है ऐसे करने वाला। मेरे को तो लगना है इस गंदगी ज्यादा हो रही है, इससे गंदगी साफ तो नहीं हो रही, ये गंदा और कर रहा है, पता नहीं ये क्या चीज है। चार वर्किंग डे वापस आ जाए, वो आ गया। हाँ भाई कूड़ा तो आ गया, ये बात तो सच कह रहा है, मतलब ऐसे नहीं उठा रहा, लेकिन नीचे मैट से उठा लेगा। हाँ जब ज्यादा कूड़े हो तो उसको कर लो, मतलब सही है यार, 60 रुपए के अंदर आपको ऐसी चीज मिल रही है, बढ़िया है। अब चलते हैं इसकी तरफ। ये हमारी एलईडी लाइट है, देख सकते हो ये लाइट हमारी जल रही है बढ़िया तरीके से, और ये काम में आ जाएगी अगर आपको कहीं पे भी कुछ लेना हो, बीरो लेने हो, कुछ करना हो। ये तो भाई बहुत छोटी है यार, इसका रेट है ये सिर्फ 21 रुपए की है गाइस, ये 21 रुपए की लाइट है, लेकिन ये बहुत छोटी है, जस्ट लाइक रवि। मुझे क्यों तोड़ा। तो ये लाइट 21 रुपए की थी, हमने बता दिया आप लोगों को। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। ये हमारा भाई ये द वॉल आउटलेट हीटर, भाई ये तो बहुत ज्यादा तगड़ी चीज है, ठंड इतनी हो गई थी भाई, हमने भी खुद अभी हीटर लिया था स्टूडियो के अंदर। ये चेक करते हैं ये कैसा हीटर है, निकाल लिया भाई इसको बाहर हमने, भाई भारी तो है ये, तो लग रहा है कि कुछ तगड़ी चीज है। हीटर कितने का है ये हीटर भाई, 400 रुपए का, 429 रुपए का हीटर है, काफी ज्यादा भारी भरकम है भाई। इसको लगाते हैं, पानी गर्म लगभग हो ही गया है, मतलब अजीब सा पानी गर्म हो रहा है ना, ज्यादा ऐसे बढ़िया वाला नहीं हुआ, लेकिन हाँ हो गया। इसको लगा के देखते हैं भाई इसके अंदर, ओके भाई चल गया चल गया। ओ भाई गर्म हवा फेंक रहा है, ओ भाई साहब, हो भाई गजब गर्म हवा फेंक रहा है, ये तो पूरी पूरी यहाँ पे ऊपर लिख कर आ रहा है टाइमर स्पीड पता नहीं क्या क्या। एंड भाई गर्म हवा फेंक रहा हमारे लिए, भाई ये तो बढ़िया, देख थोड़ी थोड़ी गर्म हवा फेंक रहा है मस्त। अगर आपको ठंड के अंदर भाई एहसास चाहिए था, ये आप लोगों के लिए बढ़िया चीज है, काफी ठीक है भाई। ओ भाई ठंड के अंदर गर्मी का एहसास है, लेकिन इसमें बदबू अजीब सी आ रही है, जलने की बदबू आ रही है, ज्यादा ही जलने की बदबू आ गई।
जलने के दू आ रही है इसके अंदर से। अब बारी EMS फुट मसाजर की, मतलब कि थाईलैंड जाने की नई जरूरत, मसाज अब आपको घर पे मिलेगी। रवि ने ऐसा काम कर दिया। ओके ये भाई हमारा फुट मसाजर है। ये मेरे को मसाजर डर क्यों लग रहा है, ये मेरे को मसाजर डर दे रहा है। ये मसाजर से मेरे को कुछ याद आ रहा है। सो गाइस अगर आपको ना याद हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। तो ये है भाई हमारा मसाजर। सो गाइस मसाजर जो हम अपने टीम मेंबर से मसाज करवा के चेक कराएंगे। एक बार पावर बैंक दो मुझे, एक मिनट। ये मसाजर ना हमने यार पहले भी ट्राई करा हुआ है। तो यहाँ पे भाई पावर बैंक से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। एंड ना ये ऑन हो गया भाई। रवि आइए जरा, आना एक बार। रवि जी के लगाएंगे इसको चेकिंग करने के लिए। अरे लगा दो। दीपक बोला, दीपक इसके ऊपर चढ़ना, देखना जरा सही चल रहा है। मसाजर है मसाजर, आओ डर क्यों रहे हो। पावर बैंक से करंट थोड़ी लगेगा, कुछ नहीं है। हाँ तो एक बार चेक कर, तू भी चेक कर। अरे हमने मोजे पहने ना यार, गए सारे यार। अब जीरो पे तो ट्रैक कर रहा है। क्या क्या हो रहा है? करंट वाला पहले पहन नहीं आता था, जैसे दबाते झटका सा यहां तक आ रहा है। तो सारे चल रहा भाई, बीट कर दिया। हेलो गाइस मैं कर रहा हूं, हाल है रवि। सो गाइस मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा। अरे एक बार मुझे करंट लगा हुआ है। सो गाइस ये फुट मसाजर देखो काम तो करता है, बट एक्चुअल फुट मसाजर नहीं है। इसके अंदर आपको एक अलग सा एक वोल्टेज का झटका सा दिया जाता है। लाइक मैंने पावर बैंक से कनेक्ट करा, और ये चीज हमने पहले भी लाइक ट्राई आउट करी थी और उसमें भी सेम चीज ही होती है। तो एक्चुअल फुट मसाजर नहीं है, बट हाँ ठीक है, मेरे को देखो पसंद नहीं आता। और भाई झटके से लगता है हमारे को, तो हमें डर लगता है भाई इससे। मेरे को एक बार करंट लग जाए ऐसा लगता है, मतलब करंट भी नहीं होता, झटका सा लगता है, पूरा करंट वाली वाइब देता है। मेरे को करंट भी लगा ना एक बार, मेरे को पता करंट को पता झटका सा आता है, अलग से झंझनाहट सी हो जाती है, वो सेम हमारे को इसमें फील होती है और अजीब होता है पूरा पूरा। तो ये तो था हमारा फुट मसाजर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसकी तरफ। ये क्या है, ये हमारे यूनिवर्सल ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक पल्स मसाज। ये भी भाई वही सेम चीज है। और ये भाई पता नहीं रवि को ज्यादा ही मसाजर पसंद है कुछ ज्यादा, मुझे ऐसा लगने लगाया। इसने सारे मसाजर मंगाए हैं। ये भी एक मसाजर है भाई जो कि मंगाया है रवि भाई साहब ने। ये भी हमारे ऐसे बैक में लग जाएगा और इसमें भी भाई करंट ही आएगा। ये भी मैंने ट्राई करने वाला, जिस तरीके से निकल जाएंगे। एंड ये सेल लगा लेता हूँ इसमें, ऑन हो गया है। लेकिन और गाइस रवि को पहनाते हैं, अभी उसी ने मंगाया तो उसी को बनाएंगे। अरे दिखा, अरे दिखा ना, दिखा तो। अरे कुछ नहीं है यार, मसाजर है, नॉर्मल सा है, बस हिलेगा डर करके। अरे डर कुछ हुआ था क्या? काम कर रहा है। इसके अंदर भी आपको यहाँ पे ना वही चीज देखने को मिल जाती है। और इसमें भी हल्का सा मसाजर नहीं है, करंट नहीं लगता इसमें। ये हिलने वाला मसाजर नहीं है, तो आप लोग ये मत सोच रहे कि हिलेगा, ठीक है? गलत बात समझा कर, तो बहुत गलत हो भाई। तो ये आपको वही करंट देगा, तो समझो कुछ और के लिए ले लिया और फिर करंट लग जाए क्या? तो इसलिए पहले ही बता रहा हूँ भाई, ये मत लेना, करंट ही लगने वाला है। वो हल्का सा झटका सा लगता है, बहुत अजीब होता है वो। अब चलते हैं हमारे लास्ट प्रोडक्ट की तरफ, मतलब थर्ड लास्ट प्रोडक्ट की तरफ। ये है हमारा एक USB LED लैंप। तो कुछ नहीं है, तो नॉर्मल चीज है, देखो नॉर्मल सा लैंप है। और ये सस्ता सा भी था, 5 रुपए का शायद ये। इसके अंदर ऐसे कनेक्ट करना है आपको, ये करना है, और ये नहीं चल रहा। नाइस गाइस, लैंप हमारा खराब है, नहीं चल रहा यार ये। ओहो मुझे लगा ये चलेगा, बट ये नहीं चल रहा यार, ये तो बिल्कुल खराब हो गया भाई, ये तो नहीं चल रहा। चलते हैं इसकी तरफ। ये नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है, क्लीनिंग किट है ये। और ये चेक करते हैं क्या है। ओके तो ये क्लीनिंग किट है। एंड अपना फोन वोन साफ करना हो आप लोगों को, तो जिससे कर सकते हो ऐसे करके, ऐसे घुसा के ऐसे ऐसे। एंड कुछ चीज़ें हैं जैसे इसमें ना, यहाँ पे आगे की साइड में आपको ब्रश देखने को मिल जाता है। ये रहा देखो, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। करना हो ऐसे ऐसे करके, निकालना हो कुछ गंद वंद फंस रहा हो कहीं पे, आप लोग कर सकते हो। एंड ऐसे करके इससे भी साफ कर सकते हो। क्लीनिंग किट है ये। एंड इसको वापस से हम लोग इस तरीके से अंदर सेट कर सकते हैं और बंद करके रख सकते हैं। सही है, हमारा लिपस्टिक टाइप में भाई हमारा क्लीनिंग किट मिल रही है। मैं इसलिए घूमूंगा, लोग बोलेगा मेरे जेब में क्या, बोलूंगा लिपस्टिक नहीं है, क्लीनिंग किट। ये वो चीज है। लास्ट प्रोडक्ट इधर चलते हैं, एक बार से खोल लेते हैं जल्दी से चेक करने के लिए क्या है। ये प्लाइनोवा प्रो है, कुछ अलग सा ही चीज है। और भाई ये तो खतरनाक चीज है, ये तो भाई बहुत अलग सी चीज है। कुछ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या है भाई। ये चलेगा कैसे, लेकिन इसको 24 घंटे पावर देनी पड़ेगी क्या? तो फिर अजीब सा हो जाएगा। 24 घंटे में पावर बैंक के साथ कैसे इसे कर सकता हूँ? एक बार रुको यार, इसे चेक करते चला के। पावर खत्म गाइस, पावर खत्म हो गई इसकी यार, चार्ज पे लगाना पड़ेगा इसको। भाई साहब तो बहुत तेज है। तो गाइस तो बहुत ही ज्यादा तेज चीज है। तो गाइस ये हमारे पास उल्टा आ नहीं रहा है, इसकी बैटरी थोड़ी कम है। तो गाइस ये थे कुछ हमारे डियो डैप के प्रोडक्ट्स, जो कि काफी ज्यादा सही हैं। कुछ प्रोडक्ट अच्छे हैं, कुछ प्रोडक्ट जैसे नॉर्मल से। आप लोग बताओ कौन सा बढ़िया लगा। मेरे को तो भाई ये लास्ट वाला प्रोडक्ट काफी ज्यादा पसंद आया, इससे हम लोग खेलेंगे जरूर। और आप लोगों ये वाली वीडियो पसंद आई, अगर ऐसी वीडियो और देखनी है तो आप लोग डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो जल्दी से अभी के अभी, ताकि ऐसी वीडियो मिस ना हो। और मैं आप चलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस बाय बाय।